नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। सासाराम में चौथे दिन आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो सह काराकाट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा का काफिला डेहरी स्थित उनके कार्यालय से रवाना हुआ। सबसे पहले वे ताराचंडी धाम पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद उपेंद्र कुशवाहा पायलट बाबा धाम पहुंचे। वहां पूजा और जल अर्पण के बाद उनका काफिला सासाराम शहर में प्रवेश कर गया। सबसे पहले बैलिया चौक पर बाबू जगदेव प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद धर्मशाला चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उनके द्वारा माल्यार्पण किया गया। समाहरणालय के मेन गेट पर बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद नामांकन करने चले गए। इसके बाद नेहरू पार्क के सामने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जीटी रोड के किनारे स्थित बीपी मंडल की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा और शहीद निशान सिंह की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया और नामांकन के लिए समाहरणालय पहुंचे। काराकाट संसदीय क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा से पहले 6 लोगों ने नामांकन किया है। माले उम्मीदवार सह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह ने 8 मई और निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह ने 9 मई को नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा 4 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी नामांकन किया है। आपको बता दें कि पवन सिंह के मैदान में आने से काराकाट हॉट सीट बन गया है। अब यहां मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन के राजा राम सिंह के साथ अब निर्दलीय पवन सिंह की चर्चा पूरे क्षेत्र में है।